गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी रिसाइट द पोएम एन इको इन माय रूम इको मीन्स रिपीटेशन ऑफ साउंड मीन्स जो भी आप बोलते हैं उसका रिपीटिएशन उसका बार बार बोलना वही इको है सो लेट्स रीड द पोयम देयर इज एन इको 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 इन माय रूम माय रूम टुडे इट इज़ एन ईको दैट आई विश आई विश आई विश वुड गो अवे मीन्स जो चाइल्ड है इस पोएम में जो कि आप देख रहे हैं फो कह रहा है वो इस पोएम को रिसाइड कर रहा है दैट इज एन ईको इको इको एन माई रूम मीन्स उसके रूम में आछिया एक ईको है एक रिपीटेशन ऑफ साउंड है मीन्स वो जो भी बोल रहा है वो रिपीट हो रहा है इट इज एन ईको दैट आई विश आई विश आई विश वुड गो अवे कौन सी इको इसको कभी इसने विश किया था कि ऐसा हो बट नाओ आई विश आई विश वुड गो अवे लेकिन आज वो क्या विश कर रहा है कि काश वो गो अवे चली जाए इट्स अ प्रॉब्लम इट्स अ प्रॉब्लम फॉर नो मैटर वॉट आई डू इफ आई मेक अ साउंड अ साउंड इको इको मेक इट अब वो कह रहा है क्या इट्स अ प्रॉब्लम ये एक प्रॉब्लम है फॉर नो मैटर वॉट आई डू मीन्स मैं कुछ भी करता हूँ इफ़ आई मेक अ साउंड तो मैं कुछ भी बोलता हूँ कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो जो इको है वो भी वही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है मीन्स जो मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पीछे वो भी वही प्रोड्यूस कर रहा है वही बोल रहा है फैन दिस इको 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 स्टार्टेड स्टार्टेड यस्टरडे आई वॉज नॉट एम यूज वॉज नॉट एम यूज इट इज नॉट ओके ओके वैन दिस इको इको अब वो रिपीट साउंड को रिपोर्ट रिपीट किस लिए कर रहा है क्योंकि जो उसका रूम है वहाँ जो वो बोल रहा है सब रिपीट हो रहा है इसलिए पोएम में भी जो वर्ड्स हैं उनको रिपीट किया गया है ओके okay? तो वैन दिस इको स्टार्टेड यर स्टडे ओके तो जो इको है कभी स्टार्ट हुई स्टडे स्टार्ट वॉज नॉट एम यूज एम यूज मीन्स हैप्पी तो वो उससे खुश नहीं है वॉज नॉट एम यूज वॉज नॉट एम यूज मैं खुश नहीं था इट्स नॉट ओके ये सही नहीं है ओके नाउ आई मस्ट बी साइलेंट साइलेंट आई एम आ फिट टू स्पीक इफ आई एम टॉकिंग इफ आई एम टॉकिंग इट मे लास्ट माइट लास्ट ऑल वीक अब वो कह रहा है नाउ आई मस्ट बी साइलेंट मुझे साइलेंट हो जाना चाहिए आई एम आ मुझे डर लग रहा है आफ्टर टू स्पीक से डर लग रहा है आफरेड टू स्पीक यानी बोलने से डर लग रहा है इफ़ आई एम टॉकिंग अगर मैं टॉकिंग करूँगा इट माइट लास्ट लास्ट मीन्स या कंटिन्यू के लिए इट माइट लास्ट ऑल वीक हफ्ते भर तक चल सकती है मीन्स जो भी मैं बातें करूँगा वो वीक मतलब वीकली या आप कह सकते हैं हफ्ते भर उसकी कंटिन्यू चलती रहेंगी तो इसलिए वो बोलने से डर रहा है और क्या कह रहा है आई मस्ट बी साइलेंट मुझे साइलेंट हो जाना चाहिए इट इज एन नोइंग बट इट सीम्स इट सीम्स इट इज हेयर इट्स हीयर टू स्टे इट इज माई पैरट इट इज माई पेरट सींग एवरीथिंग आई से अब वो क्या कह रहे हैं इट इज एन नोइंग बट इट सीम्स इट सीम्स इट इज हीयर इट इज हेयर टू स्टे क्या कह रहा है कि क्या है किसी को एंग्री करने के लिए एनॉय करने के लिए है ये इट इज बट इट सीम्स लेकिन ऐसा लगता है ऐसा दिखाई देता है इट इज हेयर कि यहाँ है और यहाँ इट इज़ हेयर टू स्टे रुकने के लिए है इट्स माई पैरट इट्स माई पेरट सेवरीथिंग आई से तो वो कौन है कौन रिपीट कर रहा है साउंड को इट्स माई पैरट वो चाइल्ड बोल रहा है इट्स माई पैरट वो मेरा पैरट है जो जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट कर रहा है ओके okay? So you will read and decide this poem.